जय गुरुदेव सत्संग का प्रारंभिक इतिहास। लेखक विपिन बिहारी श्रीवास्तव उर्फ शंभूजी। मेरे सतगुरु, मैं निर्गुनिया गुण नहीं जानी, एक गुनी के हाथ बिकन। मैं न संत मत को जानता था, न गुरु का अर्थ समझता था। हर तरह से अबोध था, बस भीतर से बेचैनी थी कि परमात्मा कैसे मिलेगा। यह भी पता नहीं था कि क्या चाहता हूं। गुरु महाराज स्वयं जब घर पर आए और पूछने लगे, वह लड़का कहाँ है। तारीख 28 जून 1949। मैं बुलाकर लाया गया और उस दिव्य पुरुष के सम्मुख पेश किया गया तो मुझे उन्होंने अपना लिया। मुझे उन अद्भुत शरीरधारी परमात्मा का दर्शन मिलते ही लगा, यही हमारे परम हितेशी हैं। इस प्रकार मैं निर्गुनिया गुण नहीं जानी, एक गुनी के हाथ बिकानी। समझ में आता है कि जीव की क्या सामर्थ्य है कि उस मनुष्य देहधारी परमात्मा को खोज सके। वे ही आकर जीव को अपनाते हैं। विपिन बिहारी श्रीवास्तव उर्फ शंभूजी। मांसाहार का विरोध। मैं जब से सचेत हुआ, मैं मांसाहार के खिलाफ रहा। यहाँ तक कि सन 1944 में जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मुझे प्लूरिसी की बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा मांसाहार से आराम होगा, तो मैंने दवा खाना तक बंद कर दिया कि कहीं दवा कहकर हमें मांसाहारी कोई चीज न पिला दे। फिर सन 1945 में पिताजी के मांसाहार के खिलाफ भूख हड़ताल किया। उन्होंने कहा, जब मैं मांसाहार के लिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, तो तुम मेरे खाने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो उन्हें ईशावास्योपनिषद के नचिकेता का प्रसंग सुनाकर अपनी बात पर अडिग रहा, तो उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। जब जरा बड़ा हुआ, बुद्धि विकसित हुई, तो सोचने लगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सन 1947-48। यदि केवल संसार का काम ही करता रहा तो मरने के बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं। परमात्मा है और उसे प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तो परमात्मा कहाँ है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बनारस में रहकर इंटर में पढ़ रहा था, लोगों से सुना बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो उसमें विश्वनाथ जी की मूर्ति है, दर्शन करना चाहिए। तो सोचता कि यह तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और उनकी मूर्ति है, तो बाबा विश्वनाथ जी कौन है, उनका दर्शन कैसे मिलता है। लोग मेरे इन सवालों को सुनकर मुझे पागल कहते कि उनकी मूर्ति के दर्शन करने मात्र से सुख और शांति मिलती है। पर मैंने दर्शन किया तो मुझे तो कोई सुख शांति नहीं मिली। महात्मा लोगों को कहा जाता है कि वे परमात्मा को प्राप्त किए होते हैं, उनसे मिलने से परमात्मा की जानकारी मिलेगी। पर ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे। एक दिन मीराबाई सिनेमा देखने गया, सोचा कि मीराबाई को परमात्मा मिल चुके हैं, अतः देखना चाहिए। पूरी पिक्चर के देखने के साथ के उनके कष्टों को देखकर रोता रहा। पिक्चर देखकर आते समय सोचता रहा कि इन्होंने राजमहल का सुख त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति की, जरूर इन्होंने परमात्मा को पाया होगा, जो राजमहल के सुख से बड़ा होगा। यह सब सोचते हुए घर आ रहा था, रास्ते में अशु भैया, मैनेजर भैया के चचेरे भाई मिले। वे अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने जा रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहने लगे चलो पिक्चर देखने तुम भी चलो। मैंने कहा मैं अभी पिक्चर मीराबाई देख कर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो वही पिक्चर देख लिया जाए, तुम्हें पसंद है और हम लोगों को भी, कोई भी पिक्चर देखे फर्क नहीं पड़ता। तो लालच लगी कि मीराबाई पिक्चर फिर से देखने को मिल रही है, अतः उन लोगों के साथ फिर पिक्चर देखने चला गया। पूरी पिक्चर को देखते समय वे लोग तरह तरह की कमेंट करते रहे, जो घोर संसारी थे।
उनके कमेंट का मेरे मन पर बड़ा असर पड़ा। मैं सोचने लगा कि ठीक ही कह रहा है, सारा सुख छोड़कर बेकार में इतना कष्ट उठा रही है। पिक्चर देखकर घर आया तो सोचने लगा कि यह कैसी विडंबना है कि पहली बार पिक्चर देखा तो त्याग और कष्ट को प्रधान माना और अब दूसरी बार वही पिक्चर देखा तो भोग और संसार के सुख को प्रधान मानने लगा। मन में बड़ी उथल पुथल रही कि यह सही है कि वह सही है। रात नींद नहीं आई, विचारों में उलझा रहा, तब सोचा कि ऐसे नहीं। पहली बार पिक्चर देखकर लौटते समय के विचार के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क लिख डाला। फिर दूसरी बार पिक्चर देखकर आए तब के विचारों के पक्ष विपक्ष में सब तर्क वितर्क लिख डाला। तब सोचने लगा कि मीराबाई को तो संसार का सब सुख प्राप्त था, अगर वह श्रेष्ठ होता तो क्यों उसे छोड़कर कष्ट और त्याग का जीवन अपनाया। अवश्य त्याग और कष्ट वाला जीवन ही श्रेष्ठ है और परमात्मा तब ही मिलेगा। तब तय किया कि आज यह निश्चय करता हूं कि त्याग वाला जीवन ही जीऊंगा। तब सोचा फिर जीवन का उद्देश्य त्याग और तपस्या ही श्रेष्ठ मानकर उसी पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। जब बीएससी में पढ़ने इलाहाबाद गया तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के संपर्क में आया। वे झूसी में आश्रम बनाकर रहते थे, बहुत सी पुस्तकें भी लिखे थे, कीर्तन करते थे। वे केवल इतना ही बोलते थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेव। इस लाइन को इस प्रकार से कहते थे कि लोगों को अपनी बात का उत्तर समझ में आ जाता था। उन्होंने श्री भागवत कथा लिखा था, वह कई भाग में छपी थी। उन्होंने हम लोगों से कहा कि जिस प्रकार से घर घर में रामायण प्रचलित है उसी प्रकार मेरी ये भागवत कथा भी प्रचलित हो जाए। सोचने लगा कि इतनी त्याग तपस्या के बाद भी लोक एष्टना का भाव रहना ठीक नहीं, तब वहां जाना छोड़ दिया। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज मिले, उनसे जब कहा कि महाराज बाबा विश्वनाथ जी की मूर्ति है, उनका मंदिर है, तो वे कहाँ हैं? उनसे मिलने पर मैं कुछ पूछ सकता हूँ और वे बताएंगे? तो स्वामी जी ने कहा, मैं ऐसा ही आदमी खोज रहा था जो बाबा विश्वनाथ जी को पाने की इच्छा रखता हो। तुम भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो उनकी सच्ची पूजा मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे वे तुम्हें प्राप्त हो जाए। उनकी इन बातों से बड़ा धैर्य हुआ, फिर दीक्षा लेकर पूजा करने लगा। तब समझ में आया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति ही है, पर प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु को प्राप्त कोई महापुरुष मिलना चाहिए। काल भगवान ने इतने सारे प्रलोभन इस संसार में रखे हैं कि उनसे बचकर परमात्मा को पाना असंभव नहीं तो अति कठिन जरूर है। प्रभु को पाने का मार्ग मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य से गया हुआ है, जिससे बिना जानकार के कोई पता नहीं पा सकता। काल के मत, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, देवी देवता, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों के चलते अंतर का रास्ता कैसे जाना जा सकता है? सच्चा जानकार महापुरुष मिल भी जाए तो भी विश्वास नहीं होता कि अपने अंतर में प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, वैकुंठ लोक तथा सारी रचनाएं अंतर में हैं। हम जब बाहर में नहीं पाते तो कहने लगते हैं कि सब यही संसार में ही है, ऐसा भ्रम का यह देश बनाया है। और विशेष बात यह भी है कि बिना मनुष्य शरीर के वह न तो मिलेगा न चला जा सकेगा, इसलिए देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। मनुष्य शरीर मिल भी गया तो पेट लगा दिया, आहार निद्रा भय मैथुन जैसे रोग लगा दिए। फिर मार्ग मिल भी जाए तो भी उसकी कमाई न कर सके। वह तो समृद्ध सतगुरु ही इस जीव को पार लगाते हैं, उनसे जब प्रगाढ़ प्रेम हो जाए तभी वे पार लगाते हैं। परमार्थ खोजी श्री नारायण जी। मेरे खानदान के परमार्थ खोजी शानदार जीवन व्यतीत करने वाले श्री नारायण श्रीवास्तव वाराणसी में आर्या इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे। वे मांसाहारी थे पर भाभी जी शाकाहारी थीं।
भैया के प्रभाव से बच्चे भी मांसाहारी थे। भैया को बचपन से ही शान से रहने का शौक था। वे जब पढ़ते थे तब भी पुरानी कार खरीदकर उससे स्कूल जाया करते थे। वे सच्चे महात्मा की खोज में तो रहते थे पर मांसाहार को नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजियत के कारण तरह तरह के तर्क मांसाहार के पक्ष में देते थे। कहते थे कि परमात्मा एक व्रत के केंद्र पर स्थित है और हम लोग परिधि पर स्थित हैं, अतः किसी भी त्रिज्या से केंद्र पर जाया जा सकता है। तब मैं कहता कि आप बुद्धिमान हैं, मैं आपसे बहस में तो नहीं जीत सकता पर यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मांसाहार खराब है, यह नहीं करना चाहिए। भैया का रहन सहन ऊंचे लोगों के साथ था, क्लब आदि जाते थे। वे नाटी इमली वाराणसी में झा साहब के बंगले में रहते थे, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर गंगानाथ झा का बंगला था। वे अपने इंश्योरेंस कंपनी के काम से जब जौनपुर आते थे तो पिताजी के पास ही ठहरते थे। उनका हमारे परिवार में बड़ा मान सम्मान था तथा प्यार था। उनके पिताजी के समय से यह संबंध था। मैं पढ़ने के लिए वाराणसी गया। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास ले आओ तो मैं तुम्हारा नाम यूपी के सबसे अच्छे कॉलेज बनारस के क्वींस कॉलेज में लिखवा दूंगा। हुआ भी वैसा ही। मैं हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हुआ और मैनेजर भैया ने वादा के अनुसार मेरा नाम क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया और मैं प्रकारांतर में उनके यहाँ रहने भी लगा। पर भैया के यहाँ रहने पर मुझे एक कठिनाई भी पड़ी कि मैं कट्टर शाकाहारी था और उनके यहाँ भाभी तथा जसोदा बहन, मैनेजर भैया की विधवा बहन जो उन्हीं के यहाँ रहती थी, को छोड़कर सभी लोग मांसाहारी थे। भैया को दादा गुरु का दर्शन और नामदान। जब मैं इंटरमीडिएट में उनके यहाँ रहकर पढ़ता था तो वे अक्सर अपने इंश्योरेंस के काम से जगह जगह जाया करते थे। सन 1948 के अप्रैल मई में वे कानपुर अपने दौरे पर गए हुए थे। शाम को किसी काम से बाजार गए थे। वहीं बाजार में स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी बाजार में थे। उनका भव्य व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि घुंघराले बाल गले तक लटक रहे थे और मन मोहिनी स्वरूप, माथे पर चमकती आभा बस देखते ही बनती थी। अनायास भैया उनकी ओर आकर्षित हो गए। बात होने लगी तो भैया से स्वामी जी महाराज ने दादा गुरुजी के बारे में बड़ी प्रशंसा की तथा मैनेजर भैया से उनके दर्शन करने को कहा। मैनेजर भैया खोजी तो थे ही, बराबर सच्चे महात्मा की खोज किया करते थे, अतः भैया बड़े प्रभावित हुए और उनके साथ दादा गुरुजी के पास गए, जो डॉक्टर संखटा प्रसाद कानपुर के यहाँ ठहरे हुए थे और सत्संग भी करते थे। भैया दादा गुरुजी को देखते ही बहुत प्रभावित हुए और दो दिन सत्संग सुनने के बाद नामदान लेने की इच्छा व्यक्त किया। दादा गुरुजी ने कहा कि मांसाहार बिल्कुल त्यागना पड़ेगा और मैं अकेले नामदान नहीं देता हूँ, सहपत्नी का हो तब नामदान दे दूंगा। भैया को नामदान प्राप्त करने की तड़प उठ चुकी थी। वे तुरंत कानपुर से वाराणसी लौटे, बच्चों को मेरे सपुर्द किया और भाभी जी को लिवाकर फौरन कानपुर चले गए। यह मेरा अंतिम शिष्य है। वहां कानपुर में दादा गुरुजी ने उन्हें तथा भाभी जी को नामदान दे दिया। दादा गुरुजी ने अन्य लोगों से बताया कि यह मेरा अंतिम शिष्य है। भैया लौट कर आए तो बहुत खुश हुए। अब उन्होंने अपने चाचा और अपने चचेरे भाई से साफ कह दिया कि अब यह मांसाहार कभी नहीं बनेगा। जिसे मेरे साथ रहना हो रहे या न रहना हो तो चला जाए। धीरे धीरे वहां से लोग अन्य रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। दादा गुरु का शरीर त्याग। मैं इंटर क्लास पढ़कर सन 1948 के मई में वाराणसी से चला आया और बीएससी पढ़ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया। दादा गुरुजी को बुलाने का प्रबंध हुआ।
सन 1948 में भैया दादा गुरुजी को अपने पास बुलाने की इच्छा व्यक्त किए। इस निमित्त दादा गुरुजी के लिए नया पलंग, गद्दा, रजाई सब तैयार कराने लगे। तभी दिसंबर 1948 में एक दिन अपने स्वामी जी का तार मिला कि दादा गुरु महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है, दर्शन हेतु तुरंत चले आवे। भैया जाने को तुरंत तैयार हुए, अलीगढ़ के लिए रिजर्वेशन कराया, पर अनेक बाधाएं आई, सबको निपटाया। तब तक ट्रेन के समय एक घंटे पहले तेज बुखार हो गया, पर भैया उस हालत में भी गए। आधे रास्ते जाते जाते तबीयत ठीक हो गई। अलीगढ़ से तहसील इगलास के गांव चिरोली, दादा गुरुजी का निज गांव, जब पहुंचे तो पता चला कि दादा गुरुजी महाराज निज धाम सिधार गए और सब काम खत्म हो गया। जानकर बड़ा दुख हुआ। अपने स्वामी जी महाराज तो बड़े दुख विहल थे। गुरु के बिछो का कष्ट बहुत भयानक होता है। भैया ने उनसे बहुत कहा कि आप अब हमारे यहाँ चले चलिए। स्वामी जी महाराज पहले तो कुछ नहीं कहे, पर बाद में कहा, आप चलिए, यहाँ परिवार को व्यवस्थित करके आ जाऊंगा। ये सब जब हुआ तो मैं वहां नहीं था, क्योंकि तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी पढ़ने चला गया था। अपने स्वामी जी का वाराणसी आगमन। स्वामी जी महाराज लगभग फरवरी 1949 में वाराणसी आ गए। वहां मेरे बारे में अक्सर स्वामी जी से चर्चा होती थी कि शंभु कट्टर शाकाहारी है तथा बड़ा सिद्धांत का पक्का है, अपने विचार का बड़ा ही दृढ़ है। भैया भाभी, बच्चे तथा जसोदा बहन सभी प्राय ऐसी चर्चा करते। तब परम पूज्य स्वामी जी कहते कि वह कौन लड़का है, उसे मैं देखना चाहता हूं। स्वामी जी महाराज का जौनपुर आगमन। जून 1949 में हमारे परिवार में चचेरे भाई लालजी सहाय की शादी पड़ी। मैनेजर भैया भी अक्सर अपने काम से भी तथा शादी के प्रबंध से भी जौनपुर आते रहते थे। घनिष्ठता तो परिवार से पहले से ही थी। जब आते तो स्वामी जी महाराज के बारे में भी चर्चा होती। भैया ने पिताजी से कहा कि अगर बारात में मांसाहार न हो तो मैं अपने गुरु भाई स्वामी जी महाराज को बारात में ले चलना चाहता हूं। भैया की बात कौन टालता। लालजी भैया के ससुर को बुलाकर निश्चित कर दिया गया कि शादी में मांसाहार नहीं बनेगा। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि शादी में शुद्ध शाकाहार रहेगा। एक महापुरुष मेरे यहाँ आएंगे, उनका मुझे दर्शन होगा, तथा इसकी और प्रसन्नता थी कि मेरा रहन सहन उत्तम है और जिसे वे महापुरुष अच्छा समझते हैं तथा इसी से वे हमें देखना चाहते हैं। गुरु महाराज का प्रथम दर्शन। आखिर वह दिन 28 जून 1949 आ ही गया। मैनेजर भैया स्वामी जी महाराज को लेकर जौनपुर आ गए। बगल के मकान के सामने एक नीम का पेड़ था जो अब नहीं है, उसी के नीचे चारपाई पर लोग बैठे थे। मुझे खोजा जाने लगा। मैं शादी के सब कामों में पूरे मनोयोग से लगा था। उस समय बाजार गया हुआ था। आते ही मुझे सूचना मिली कि स्वामी जी आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। मैं भी यह सब काम करते हुए भी स्वामी जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। दौड़कर दर्शन के लिए गया। उस दिव्य रूप का दर्शन, वह घुंघराले कंधों तक लहराते बाल, छोटी गाढ़े काले रंग की दाढ़ी और चमकता भाल माथा, बड़ा ही मनमोहक रूप, देखते ही रह गया। दिव्य नेत्रों से ऐसी किरणें निकली कि उस रूप को देखते ही उन्होंने मुझे अपना बना लिया था। वह स्वरूप बड़ा ही आकर्षक था और मैं एकदम देखता ही रह गया। वहां से अब हटने का मन ही नहीं करता था, परंतु कर्तव्य ने मजबूर किया। स्वामी जी महाराज ने भी आदेश दिया कि जाओ काम करो, समय निकालकर पास में आ जाया करो।
दूसरे दिन 29 जून 1949 को सवेरे बारात सुल्तानपुर के लिए बस से रवाना हुई। स्वामी जी महाराज और भैया भी साथ में थे। यह था मेरा प्रथम दर्शन उस दिव्य महापुरुष का। जय गुरुदेव।